टीम की बड़ी कार्रवाई, सीबीआई दिल्ली टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दिल्ली, नोएडा, जयपुर, गुरुग्राम, फरीदाबाद में दबिश, फर्जी कॉल सेंटर से ये मामला जुड़ा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लिंक के जरिए ठगी की जा रही है इस वक्त की बड़ी खबर। सीबीआई की टीम ने कई लोगों को हिरासत में लिया है इस पूरे मामले में। बड़ी खबर, सीबीआई की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है, सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। लिंक के जरिए ठगी का मामला सामने आया है, सभी आरोपियों से इस मामले में पूछताछ की जा रही है इस वक्त की बड़ी खबर। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता ध्वज हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्वज, सीबीआई दिल्ली टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, क्या कुछ अपडेट? लेकिन निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो पूरी तरीके से ऑनलाइन ठगों का जो जाल बिछा हुआ है और लगातार ऑनलाइन ठगी की वारदातें हो रही हैं, इसको लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस कहीं ना कहीं जो है कमजोर नजर आ रहे थे और इसी को लेकर सीबीआई की टीम ने जो है अलग अलग स्टेट में छापे मारे हैं और इस तरीके के जो कॉल सेंटर हैं जो कि ओटीपी पिन भेजकर और ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे, तो इसको लेकर पूरी तरीके से एक बड़ी कार्रवाई जो है सीबीआई की टीम से पूरे देश भर में मानी जा सकती है। दिल्ली, नोएडा, जयपुर, गुरुग्राम और फरीदाबाद और इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में सीबीआई की अलग अलग टीमों ने जो है दबिश मारी है और कई कॉल सेंटरों पर दबिश मारी गई जो कि फर्जी कॉल सेंटर चल रहे थे और ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे, तो इनमें अलग अलग स्टेट से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी संख्या भी काफी ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन अभी इसका खुलासा जो है सीबीआई के द्वारा नहीं किया गया, लेकिन सीबीआई की जो टीम है उन्होंने एक मीडिया को प्रेस नोट जारी किया है और उसमें सारी डिटेल बताई है किस तरीके से जो इन कंपनियों पर उन्होंने दबिश मारी है और जो एक बड़ा जाल जो पूरे देश के अंदर जो फैला हुआ है ऑनलाइन ठगों का, इस पर कहीं ना कहीं जो नकेल कसने की जो कार्रवाई मानी जा सकती है सीबीआई की तरफ से। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है, कौन मास्टरमाइंड है, इनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।